हाथरस की दुष्कर्म पीड़िता की कहानी शायद आपको याद हो। मैं आज हाथरस के ही सादाबाद विधानसभा इलाके के मड़ाका गांव में हूं। यहां से थोड़ी दूर पर बूलगड़ी गांव है, जहां पर उस पीड़िता को पुलिस वालों ने उसकी मौत के बाद जबरन जला दिया था। मामला तूल पकड़ा और उस दौरान बहुत सारे नेता उस गांव में पहुंचे। जयंत चौधरी, जो राष्ट्रीय लोकदल के समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर आए थे और पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। वो लाठियां पूरे जाट समाज में ऐसी मालूम पड़ी कि उनकी छाती पर पड़ी हैं। इसलिए अब यहाँ का जो राजनीतिक सिनेरियो है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। रामवीर उपाध्याय और गुड्डू चौधरी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं और रामवीर उपाध्याय बसपा छोड़कर बीजेपी में अपने परिवार समेत दाखिल हो चुके हैं। मैं आज मड़ाका गांव में ग्रामीणों से ये जानने के लिए बैठा हूं कि आखिर यहां का जो सियासी ऊंट है वो किस ओर जा रहा है। ये बताइए कि क्या लग रहा है चुनाव का? सुना लोग जीते हो जानते तो गुड्डू चौधरी ऐसा क्यों जी? जा हमें तो लोग अदल के आदमी है भाई, लोग अदल के जितांगे पे। लेकिन यहाँ एक मिनट, यहाँ पे ना रामवीर उपाध्याय बड़े नेता माने जाते हैं, पहले बसपा में थे, अब पूरा परिवार उनका बीजेपी में है। हमने कबू ना वोट दे, कभी नहीं वोट दी, कबू ना दे, अबकी बार भी नहीं देंगे, ना देंगे। वो तो बसपा से बीजेपी में आ गए। ये कहते हैं कि जाट भी जो है वो बीजेपी में जाए ना आया, तो जाट बीजेपी में ना आया तो कैसे कह देंगे जाट बीजेपी में? दो एक आज चले जाते तो जाट थोड़ी चले जाएंगे, हमेशा से उधर ही रहे। हाँ, लोग तो लगे ही रहे। तो उपाध्याय जी हैं, रामवीर उपाध्याय छोड़ दिया बहन जी को, अब इधर आ गए बस बीजेपी में। इसी कारण तो वोट जाएगा लोकदल को, सारे जाट का लोकदल को जाएंगे हम। यदि आप काय को दोगे लोकदल? नहीं, हम तो लोकदल के देंगे। अब तो जिताने हमें, तो रामवीर उपाध्याय जी हराने हैं, उनको भी यही तो दिखाना है कि जाट, अब हम भी तो यूँ कह देते कि हमको तो जाट देते ही नहीं है, और उनको भी तो दिखाना है कि जाट अब देते हैं कि नहीं देते। तो बहन जी की नज़र में आपने अपने नंबर बढ़ाने हैं? बहन जी की नज़र में क्यों, अब हमें तो ये यहाँ से रामवीर उपाध्याय हराने हैं बस। हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें बहन जी से कोई वो नहीं है, हमें तो ये है कि यहाँ से रामवीर उपाध्याय नहीं जिताना। तो बहन जी का भी तो कैंडिडेट खड़ा हुआ होगा? हाँ खड़ा है उसका। बहन जी ये कहे कि जाट अब हमारा, इतना वजूद ही नहीं है उनका कैंडिडेट का, बहन जी का वजूद नहीं है, इतना वजूद नहीं है उसका। वो भी तो पंडित है और वो भी इसका साडू है। रामवीर उपाध्याय ने बसपा से साडू खड़ा कर, साडू साडू तारा है ना, डमी तो कैंडिडेट है वो, ये है और का है वो। अरे तो अब की बार जाटब और जाट एक जगह जा रहे हैं नल के पे। जात जाएगी नल पे, सातों जात। हाँ, और जो है 10-20 निकल जात तो वहां से कुछ नहीं होगा। क्यों बाबा, आप कौन से गांव के हो? मैं कुकरगावा गांव को हूँ। आपके यहाँ क्या चल रहा है? हमारे यहाँ जाट है, रामवीर के साथ में आते ही। क्यों ये धोखेबाज है? कौ पार्टी मिलेगा, कौ पार्टी मिलेगा। 5 साल गया तो पूरी परिवार को लेके है, पलटन को लेके गया, एक एक करके आएगा, कोई आएगा। अब यह चुनावी माहौल में अपो आए है, अस्पताल से लड़ रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? जनता देती है, अपना कैंडिडेट बनाती है कि हमारा प्रत्याशी हमारा भविष्य अच्छा करेगा, युवा सोचते हमें कुछ लाभ होगा, वो खुद ही स्वस्थ नहीं है, दूसरे को क्या देखने आएगा, उसके लिए क्या करेगा। और बीजेपी का मतलब है हमारे 700-800 किसान भाई शहीद हुए हैं, उन पे नज़रअंदाज किया इन्होंने। जीवन भर युवा आज 2-3 साल से घूम रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, जो जॉब कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में थे वो भी छोड़ के आ गए, उनकी भी जॉब गई। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे जो योगी जी बोले, अमित शाह बोले, कैराना का मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा, वो कुछ ना? केवल इन पे यही मुद्दे होते, कोई विकास का मुद्दा नहीं है इन पे। इन पे हिंदू मुस्लिम मुद्दे हैं, न इन पे किसी रोजगार पे बोलते, न किसी किसान पे बोलते, इन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम ही किया है। इन पे कोई फैक्ट मुद्दा हो तो इसे इन्हें वोट दिया जाए। कौन सा मुद्दा है इन पे? हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर,
बस कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर भी मुद्दा नहीं है आपकी बात। बोल कहाँ रहे तो बोल रही ना, आए योगी जी अब कहा बोले साहब आएंगे, राम भी आयो ही ना, बिना दूल्हा के बारात आई है, बिना दूल्हा के बारात। हाँ बिना दूल्हे के बारात, जब प्रत्याशी ना है योगी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और वो जो आतना लड़े हुए तो बताओ बिना दूल्हे की बारात है। आप बताओ कैसे चल रहे हो चुनाव? चुनाव बढ़िया तरह से चल रहे है। और रामवीर बात पूछो तो रामवीर 5 साल विधायक सपाते बसपाते एक न्याठिया गांव में यकीना देखे जाए बजाते जहाँ पूरी जनता बिल्कुल खिलाफ है जागरी पे। गुड्डू चौधरी तो कहा जब तुम करे गया चंदपा पे लाठी भाई अजीत सिंह पे जब लाठी चार जा रही तो लड़के पे। हाँ तब जयंत पे तो जयंत चौधरी के ऊपर गुड्डू चौधरी ने अपनी छाती रोप दी पर गुड्डू चौधरी ने हटे नहीं थे। इसके वजह से न्याठिया पूरा क्षेत्र रामवीर उपाध्याय थे बिल्कुल खिलाफ क्षेत्र चल रहा है। अच्छा ये बता रहे हैं जो लड़की के घर वाले हैं वो भी कहते हैं कि रामवीर उपाध्याय कभी देखने भी ना आए। वो तो लड़की के मामले में तो आज तक वहाँ झांके भी नहीं है रामवीर उपाध्याय के। रामवीर का कोई भाई कोई मदद झांके नहीं है जब के पूरा उनके पास पावर थी, मंत्री थे और मतलब सब काम किए हैं। अच्छा ये बताओ कि बीजेपी जो है वो ये कहती है कि साहब परिवारवाद के हम खिलाफ हैं, है ना, लेकिन देखा हमने होर्डिंग्स में पूरा खानदान अब बीजेपी में शामिल है और सबके पास पद है, कोई ब्लॉक प्रमुख है, कोई जिलाध्यक्ष जिला पंचायत लड़े। हाँ लड़े जिलाध्यक्ष है भाई। यहाँ तो अपने सातवा तहसील में सैपू ब्लॉक में लोकदल की सरकार आएगी, बीजेपी तो आएगी नहीं। सरकार कहाँ आएगी, यहाँ तो विधायक बनेंगे। हाँ विधायक ही बनेंगे, लोकदल की आएगी ना तो ठीक है। गुड्डू चौधरी जीतेंगे ना, गुड्डू चौधरी ने लट खाई जयंत चौधरी के चक्कर में, ठीक है ना, लाठीबाजी गुड्डू चौधरी ने बीच में काकड़ ने भाग लिया और काकड़ा लट भी खाए थे। तो उसका मुद्दा यही है कि गुड्डू चौधरी यहाँ से विधायक बनेंगे। पिछली पंचवर्षीय जो विधायक रहे वो पूरी पंचवर्षीय में किसी ने देखा हो तो बताया जाओ कि कंडा न दिया जाए उन्हें 11 तारीख को। गुड्डू चौधरी जिंदाबाद, गुड्डू चौधरी जिंदाबाद। बहुत अच्छा। तो ये गांव है मड़ाका और सादाबाद विधानसभा, यहाँ के लोगों का आपने जोश जुनून देख लिया। 20 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, मिलते हैं अगले विधानसभा में। सादाबाद में देहात के बाद अब शहर का हाल जान लेते हैं। यहाँ जो लोग यहाँ बैठे उस रैली को देख रहे हैं उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है यहाँ का। और वाकई अब की बार रामवीर उपाध्याय की जो चुनावी बेतरणी है वो कठिन है। किधर है अब की बार? अब की बार गठबंधन की सोच रहे, सैकड़ों गाड़ी की रैली जा रही है। अब रैली तो निकलती रहे, मैं रैली क्या है, कुछ है करंट की अब बिना मालूम होगी करंट है क्या ना। आपने अपना करंट दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रखा है? नहीं नहीं, हम तो फिर गठबंधन में ही जाएंगे और कहाँ जाए, अब और कोई रास्ता भी नहीं है हमारा। ओबीसी भी नहीं रास्ता में? ओबीसी भी नहीं है? ओबीसी क्या, ओबीसी तो झड़े में कूड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झड़े में कूड़ा करने आए ओबीसी, साफ सुथरे में गंदगी करने ही आए। हाँ तो जी ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं। और सही बोल रहे हैं, ओबीसी दलाल है। दलाल है? दलाल है, दलाल। वहाँ मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा, वो कितनी ताकत लगा ले, जो मन बना लिया है वोटरों ने गठबंधन की बाका सरकार का, गठबंधन की सरकार का वोट है, ये लेडी फेर से चलती चलाती रहेंगी। बागपत मुजफ्फरनगर सुन के तो मन ना बना लिया? नहीं 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 साहब, छूजा बोई गठबंधन का वोट पड़ रहा है। रोटियों से भी परेशान है, काम धंधे से परेशान है, ये सरकार में तो भूखे मरने की लोबत आ गई आदमियों की। कोई हिंदू मुसलमान, अरे मजहब का खेल थोड़ी है ये राजनीति, तुम्हें बादशाह बना के बिठा रहा भाई। सबने दिया है वोट, पहले सबने वोट दिए, अब हिंदू मुसलमान फलाना पाकिस्तान खाना खान जबरदस्ती के वो सब समझ गए लोग, अब सब समझ गए, सब समझ गए, सब बिल्कुल लोग दल जिंदाबाद। बिल्कुल की बात ना, बार बार बीजेपी से मोह भंग हो गया। बिल्कुल हो गया साहब, हो गया, बिल्कुल हो गया। उपाध्याय जी का आपकी बार क्या होना है? अब ये तो ईश्वर जाने क्या होगा, नहीं तो सब जहर के लोकदल है, सब विचार लोकदल का, सब विचारधारा लोकदल, लोकदल अब की बार लोकदल। आप बताओ, आप तो पुराने हो यहाँ शहर के, पंजाठिया सारा ऑक्शन जो भी है अपने एरिया में या अपनी मार्केट में वो लोकदल का है।
चाय वाले का साथ नहीं दोगे आपकी बात? बात समझे नहीं आप मेरी को। मैं अगर अकेला दे दूं साथ तो मेरे साथ देने से क्या हो जाएगा? अरे कुछ माहौल बन जाए। अरे मेरे अकेले से माहौल बन जाएगा? जो 100 आदमी खड़े हुए वो सारे शायद आपके पड़ोसी मन रहे हैं, वो सभी लोग बोल रहे हैं लोक दल को, तो मेरे कहने से क्या हो जाएगा अकेले से? मान के चलिए आप। ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? ना प्रत्याशी बढ़िया, तो सरकार चेंज होने जा रही है, बदलने जा रही है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। प्रत्याशी तो ये तुम्हारा रामवीर भी यहीं का है? नहीं, वो बीजेपी में पहुंच गए, वो हम यहाँ का ठीक है, पहले बसपा में थे। उससे गुस्साए हुए हो आप? उससे जुड़े हुए थे बसपा से कुछ लोग, अब वो बीजेपी में पहुंच गए, लोग अलग हट गए उनसे। बसपा वाला वोट भी नहीं मिलेगा? अब जी बसपा वाले जाने, हम तो बसपा के थोड़ी हैं, हम तो सपा के आदमी हैं। बसपा वाला गुड्डू को मिल रहा है, ये जाट वो वोट है वो गुड्डू चौधरी को मिल रहा है, उसी के पैसा वाला बना, सब उसी से बना और पार्टी चेंज कर दी, तो उसको दुगनी होगा आदमी को? सच्ची तो सरकार उसी ने बनाई, उसने पैसा वाला सबसे विधायक दी और उसी तो उसे छोड़ के लगा, उसको गुस्सा नहीं आएगी? आप भी बसपा वाले वोटर हो? हाँ वोटर हैं। ये बसपा वाले ही हैं? हाँ, तो तुम्हारा उसी ने पार्टी बनाई, सब दाम दिया, छोड़ दी, इज्जत दी और उस पार्टी को छोड़ दी इसने।